शॉट आउट टू सीटू वेब। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शॉट आउट मिलेगा। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ अपनी बीमार बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। उस बच्ची का इलाज करने में डॉक्टर्स लग जाते हैं। इसके बाद हमें उस दिन से 20 साल पीछे का दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं। उस फैमिली की छोटी बेटी सारा पार्टी के लिए बाहर जा रही होती है, जहां उसके फादर डॉन आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रात को कहीं नहीं जाओगी, और चिल्ला करके वो सारा को रूम में जाने के लिए कह देता है। सारा अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और रात को मौका पा करके वो खिड़की से बाहर निकल के अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ बाहर पार्टी करने के लिए निकल जाती है। सारा की मदर उसके रूम के बाहर खड़ी होकर के अपनी बेटी को बुला रही होती है। डॉन सारा का गंदा बिहेवियर देख करके चाबी निकाल करके रूम खोलता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी बाहर पार्टी के लिए जा चुकी है। उसको काफी बुरा लगता है। अगले दिन सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करके वापस आती है, जहां गेट पर डॉन बैठा रहता है। वो उससे कहता है कि तुम जो ये सब कर रही हो ये पूरी तरीके से गलत है और तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है। इसके बाद सारा अपने रूम में पहुंचती है, जहां उससे मिलने उसकी बड़ी बहन एमी और मदर आते हैं। वो उससे क्रिस के बारे में पूछते हैं। सारा उनको बताती है कि क्रिस बहुत अच्छा लड़का है और आगे जाकर के सारा क्रिस के साथ यहाँ से निकल जाएगी जब वो 18 की हो जाएगी, और वो पूरी दुनिया घूमेगी और जगह जगह पर जॉब करेगी। उसकी मदर और बहन को ये प्लान काफी अच्छा लगता है और वो अपनी बेटी का इसमें पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। डॉन रूम के बाहर खड़ा रहता है और उसको ये सब बातें काफी बुरी लगती है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है और वहां की एक अलमारी हटाता है और अंदर एक बड़ा सा रूम हमें दिखाया जाता है। अगले दिन सारा की मदर जाती है शॉपिंग करने के लिए और उसकी बहन एमी अपने कॉलेज गई होती है। तभी डॉन उसके पास आता है और उससे कहता है ये सामान जरा नीचे तक मेरी रखवाने में हेल्प कर सकती हो, और वो उसके साथ सामान लेकर के नीचे जाती है, जहाँ पे डॉन उसको वो बड़ा सा बेसमेंट दिखाता है। सारा वो देख करके घबरा जाती है। डॉन उससे कहता है ये पुराने वाले ओनर्स ने बनवाया था, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने हमेशा इसको बंद ही रखा, पर अब मुझे इसकी जरूरत पड़ चुकी है, और वो सारा को वहीं पे लॉक कर देता है। सारा काफी चिल्लाती है और अपने फादर से कहती है ये एक मजाक नहीं है। उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता है और उसको लॉक करके वहां पे सामने अलमारी लगा करके वहां से ऊपर चला जाता है। सारा देखती है कि वहां पे पासवर्ड पड़ता है। वो 3-4 बार पासवर्ड डालती है, हर बार पासवर्ड गलत पड़ता है और उस कमरे की लाइट चली जाती है। अब सारा रात भर चिल्लाती है। तभी डॉन उससे मिलने नीचे आता है। जैसे डॉन रूम को खोलता है सारा बाहर भागने की कोशिश करती है और वो देखती है कि बाहर भी गेट है और उसमें भी पासवर्ड लगा हुआ है। तभी डॉन उससे कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। हर 3 गलत पासवर्ड के बाद इस रूम की लाइट चली जाएगी, और एक बार यहाँ की लाइट गई तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ सांस लेने में तुम्हें दिक्कत होगी। सारा अपने बाप से कहती है मैं आपकी हर बात मानूंगी पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। डॉन उससे कहता है ऐसे नहीं, और वो उसके साथ गलत हरकत करता है। इसके बाद डॉन ऊपर जाता है, जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आया होता है और वो सारा के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। सारा की मदर पुलिस इंस्पेक्टर से बताती है कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी एकदम से कहाँ गायब हो गई। तभी डॉन वहाँ पे आकर के बताता है मेरी बेटी का प्लान था कि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो यहाँ से भाग जाएगी। 10-15 दिन में वो 18 साल की होने वाली है और मुझे लगता है वो यहाँ से भाग चुकी है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको उसके बॉयफ्रेंड क्रिस के पास जाना चाहिए। ये सब आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि मुझे ये बात पता है, पर मैं ये सब कुछ जानता था। पुलिस वाला वहां से चला जाता है क्रिस के पास। थोड़े दिन बाद क्रिस वहां पे आता है, जहां उससे मिलने डॉन जाता है और उसको बताता है अगर तुम सारा को ढूंढने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो स्टीव के साथ यहां से जा चुकी है। क्रिस उससे पूछता है स्टीव कौन है। डॉन उसको बताता है स्टीव हमारा पड़ोसी था जिससे सारा का चक्कर चल रहा था और वो लोग यहां से भाग गए। अब क्रिस को काफी बुरा लगता है और उसका भी डॉन के घर में आना बंद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिलता है, इस वजह से वो भी सारा को घर से भागा हुआ घोषित कर देते हैं और केस को क्लोज कर देते हैं। तो अब आता है आपका पहला सवाल, सारा के बॉयफ्रेंड का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब पूरी सिचुएशन डॉन के हाथ में थी। वो सारा के 18वें बर्थडे में सारा के पास जाता है और उसको एक रेड कलर की ड्रेस देता है और सारा से कहता है इसको पहनकर मेरे पास आओ। सारा उस ड्रेस को पहन करके डॉन के पास आती है। डॉन सारा को एक केक देता है जिसको सारा काटती है। इसके बाद डॉन सारा के साथ गलत हरकतें करता है और सारा का रेप करने के बाद वो उससे कहता है जब तक तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रहोगी मैं खुश रहूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने को तभी मिलेगा। इसके बाद धीमे धीमे समय बीतता जाता है और डॉन सारा के साथ गलत हरकतें करता रहता है। अब सारा प्रेग्नेंट हो चुकी है और 1 साल बाद वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है जो एक लड़की होती है। डॉन से वो कहती है हम इसका कैसे ख्याल रखेंगे। डॉन उससे कहता है जैसे 1 साल बीता है वैसे आगे का समय भी बीतेगा, तुम बस ज्यादा सोचो मत। अब धीमे धीमे करते 3 साल हो चुके हैं और सारा अपने दूसरे बेबी को जन्म देने वाली है। वहीं दूसरी ओर क्रिस एक दिन घर के बाहर आता है, जहां उससे मिलने एमी आती है। एमी क्रिस से कहती है तुम तो एकदम गायब हो गए थे। क्रिस उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने स्टीव के बारे में बताया, इस वजह से मैं यहां से चला गया। एमी को जब स्टीव के बारे में पता चलता है तो वो क्रिस को बताती है कि मेरे फादर ने जो भी तुमसे कहा है ये पूरी तरीके से झूठ है
और मुझे ऐसा शक है कि मेरे फादर ने कहीं मेरी बहन को नीचे दबा करके तो नहीं रखा है। क्रिस उससे कहता है, तुम पूरी तरीके से तहकीकात करो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझको बताना, और वो वहां से चला जाता है। रात को सारा की मदर डॉन से लड़ते हुए कहती है कि हमें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ेगी, वही हमारी हेल्प कर पाएगा हमारी बेटी को ढूंढने में। तभी चिल्लाते हुए डॉन उससे कहता है कि इन सबका खर्चा कौन देखेगा, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। उसकी मदर गुस्सा करके वहां से चली जाती है और डॉन उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है। वहां पे वो अपनी कीस को छोड़ जाता है। एमी कीस को उठा करके नीचे बेसमेंट भागती है और वो चारों तरफ ढूंढने लगती है कि कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां से वो सारा को ढूंढ सके। तभी वहां पे डॉन आ जाता है और अपनी बेटी पे चिल्लाते हुए कहता है, तुमको क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हारी बहन को गायब किया है और यहां कहीं छुपा के रखा है, तुम्हें वो जगह मिल गई क्या? एमी अपने बाप को चाबी दे करके वहां से ऊपर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट के अंदर सारा अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे रही होती है। डॉन अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारा ने एक लड़के को जन्म दिया है। सारा उससे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। डॉन उससे कहता है, मेरी ख्वाहिशें पूरी करती रहो, बाहर जाने के बारे में फिर कभी सोचना। अब धीमे धीमे समय बीतता है और उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। इस बीच उसकी बेटी की तबीयत खराब होती है और डॉन उसको दवाइयां देता है और उससे कहता है, तुम्हें इसका इलाज यहीं पे करना होगा, अगर कुछ भी होगा तो यहीं पे होगा, हम इसे बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सारा की मदर ने अभी तक हार नहीं मानी है और वो डॉन से लड़ते हुए कहती है कि मैं खुद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करूंगी और अपनी जॉब करके उसको पैसे दे करके उससे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए कहूंगी। डॉन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और उसकी मदर वहां से चली जाती है जॉब ढूंढने के लिए। डॉन नीचे जाता है सारा के पास बात करने के लिए, जहां सारा डॉन से कहती है, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। अब डॉन उसके ऊपर भी गुस्सा आता है और उससे कहता है, ना ऊपर तुम्हारी माँ मुझे समझ रही है और ना नीचे तुम मुझे समझ रही हो, और उन लोगों को छोड़ के वहां से निकल जाता है। अब वो रात को फिर से आता है जहां सारा उसकी डिमांड पूरी करती है और उसके साथ लेटने चली जाती है। इसके बदले में सारा को डॉन एक टीवी गिफ्ट करता है। अब धीमे धीमे सारा चौथे बेबी के लिए प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको जन्म देने वाली होती है और ये एक लड़का होता है। सारा बताती है डॉन से कि इसका ख्याल हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, हम यहाँ पे चार लोग हैं और ये जगह ओवर पॉपुलेट हो जाएगी। जिसके बाद डॉन कहता है, अब मैं क्या करूँ? वो उससे कहती है, प्लीज इसको बाहर ले जाओ और माँ को दे दो ताकि वो इसकी केयर कर सकें। इसके बाद डॉन उसको एक लेटर लिखने के लिए कहता है और उसके बच्चे को लेकर के ऊपर जाता है और गेट के बाहर उसे रख देता है एक टोकरी में। तभी उसकी मदर बाहर आती है और उस बच्चे को गोद में उठाती है जिसके पास एक लेटर होता है। सारा ने उस पर्ची में लिखा होता है कि मॉम, मैं फाइनेंशियली अभी इतनी स्टेब्लिश नहीं हूँ कि इस बच्चे का ख्याल रख सकूँ, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप इसका ख्याल रखें। उसकी माँ रोती है और उस बच्चे को अपनी बेटी की निशानी समझते हुए अपने घर के अंदर ले जाती है। डॉन जाता है आगे तो वो देखता है कि टोकरी में नीचे एक छोटी सी पर्ची और पड़ी हुई है। उस पर्ची में सारा ने लिखा होता है कि मुझे फादर ने नीचे बंद कर दिया है और प्लीज आकर के मुझे बचा लीजिए। वो सारा के पास जाता है, उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और फिर से उसके साथ गलत करते करके वहां से चला जाता है। धीमे धीमे समय बीतता जाता है, ऊपर सारा का बेटा बड़ा होने लगता है और नीचे सारा चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। एक दिन रात में बारिश होने लगती है और बेसमेंट की छत टपकने लगती है। सारा की बड़ी बेटी ये बात सारा को बताती है और सारा देखती है कि छत से पानी गिर रहा है। उसको ये एक मौका दिखता है और वो स्टूल पर खड़ी होकर के छत को खोदने लगती है जहाँ उसे बाहर का दिखने लगता है। वो टॉर्च की लाइट बाहर दिखाती है ताकि कोई उस लाइट को देख करके उसको बचाने के लिए आ जाए। उसका पड़ोसी लाइट को देख लेता है और वो डॉन को बताता है कि शायद आपकी बेसमेंट की छत टूट गई है क्योंकि नीचे से रोशनी आ रही है। डॉन भाग करके नीचे जाता है और वो सारा को बहुत पीटता है। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सारा के पेट में दर्द होने लगता है और वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। डॉन उस बच्चे को दफना करके आता है। सारा डॉन के ऊपर काफी गुस्साती है और वो उससे बात करना बंद कर देती है, लेकिन डॉन अपने काम कभी रोकता नहीं है। वो आए दिन आया करता और सारा के साथ समय बिताता और उसके साथ जबरदस्ती करके वहां से चला जाया करता। अब धीमे धीमे लगभग 20 साल हो चुके हैं। ऊपर सारा का बेटा थॉमस काफी बड़ा हो चुका है और अपनी नानी के साथ रह रहा है। वहीं दूसरी ओर नीचे उसके बच्चे धूप और रोशनी ना पाने की वजह से काफी हद तक कुपोषित हो चुके हैं। वो बच्चे अब जिद करने लगे हैं कि यही टीवी हम रोज देखते हैं, हमें अब यहां से बाहर जाना है। रात को डॉन उनके पास आता है और बाहर जाने की जिद करता है, जहां डॉन अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अब ज्यादा बोल रहे हो, और वो वहां से चला जाता है। सारा के ऊपर भी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर जाने दो। सारा गुस्सा जाती है और वो चारों तरफ के बर्तनों को गिराने लगती है। बच्चे काफी घबरा जाते हैं और सारा साइड में बैठ जाती है जाकर के। बच्चे बर्तनों को सेट करते हैं। इसके बाद सारा अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, बचपन में मैं जो तुम्हें कहानी सुनाया करती थी क्रिस्टोफर प्रिंस और प्रिंसेस की, जिनके बीच में एक किंग आ गया था, असल में ये मेरी कहानी है, मेरा फादर ही तुम लोगों का बाप है। ये बात जानने के बाद वो बच्चे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अपनी पूरी कहानी जब अपने बच्चों को वो बताती है तो उसके बच्चों को काफी गुस्सा आता है डॉन के ऊपर। रात को डॉन जब नीचे आता है तो उसके ऊपर सारा का बड़ा बेटा अटैक करने की कोशिश करता है। डॉन उससे कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम नीचे रह रहे हो और काफी कमजोर हो, ऊपर तुम्हारा भाई थॉमस अभी महज 14 साल का है
और तुम सबसे काफी हट्टा कट्टा है, जैसे कि वो कोई 18-19 साल का आदमी हो। उन लोगों का मजाक उड़ाने के बाद वो वहां से चला जाता है। सारा अपने बच्चों के साथ समय बिता रही होती है, जहां रात को एकदम से सारा की बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा होता है। इस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। डॉन नीचे आता है, सारा उससे कहती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, अगर हम इसे यहाँ से नहीं ले गए तो उसकी हालत काफी बिगड़ जाएगी। तो अब आता है आपका दूसरा सवाल, सारा के तीसरे बच्चे का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। डॉन उसकी एक बात नहीं मानता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने उन लोगों को यहाँ से बाहर जाने दिया तो वो उसका पूरा राज दुनिया के सामने खोल देंगे। लेकिन जब लड़की की हालत बहुत बिगड़ने लगती है, तब वो सारा को लेकर के उस लड़की के साथ हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है और अपने बड़े बेटे को वहीं नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब उसकी बेटी की हालत ठीक होने लगती है, तब डॉक्टर एक फॉर्म लेकर के आती है सारा के पास, जिसको डॉन भरने लगता है। मौका देख करके सारा उस फॉर्म के ऊपर पानी डाल देती है और डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए चला जाता है। मौका देखते ही वो वहां से भागती है पुलिस इंस्पेक्टर के पास। डॉन उसको रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि सारा ने पुलिस वाले को सब कुछ सच सच बता दिया है। डॉन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उसको रोक लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले डॉन के घर में पहुंच चुके हैं और बेसमेंट से उन्होंने उसके छोटे बेटे को भी निकाल लिया, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ऊपर उसकी माँ और उसका बेटा ये सब देखते हैं कि कैसे उसका नाना बहुत ही कमीना इंसान था। डॉन को जेल हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा के तीनों बच्चे धूप में एंजॉय कर रहे हैं और सारा लगभग 20 साल बाद धूप ले रही है। वहां उससे मिलने क्रिस आता है। क्रिस उससे कहता है तुम्हारे फादर पे भरोसा करके मैंने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया था, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सारा उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद क्रिस सारा को एक हेलमेट देता है और उससे कहता है मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्या हम फिर से एक राइड पे जा सकते हैं? और वो लोग राइड पे निकल जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।